क्यूट है इंडियन फ्लैग को, कितना शानदार लग रहा है, देख सकते हो जो रहे हैं। ना करे गाइस, अभी निकल गए तो फिर अरे राइडर भाई तो स्टोरी पे चेक, स्टोरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना लकी आड़ा 47 नाम से, ये तुम्हारा लकी आड़ा वहां पर है, वो चक्की मारते हैं। चैनल 47 राइडर्स। तो अभी सुबह हो रही है अपने 4:30 एंड अपन राइड पे निकल रहे हैं अपनी बाइक गेरी एंड झंडा मैंने लगा दिया, देखते झंडा अगर टिक जाएगा तो देख लेंगे ना, देखते क्या होता है। हम चलते हैं अपन जल्दी से राइड पे एंड मॉर्निंग हो चुकी है यार, बहुत मतलब लॉन्ग ट्रिप है तो देखते हैं क्या क्या होता है। एंड वॉइस थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा आज भी, क्योंकि आज भी धीरे बोलना पड़ेगा, बहुत शानदार राइड होने वाली है। सो गाइस अब चलते हैं अपन यार, क्योंकि टाइम हो चुका है अपना जाने का एंड फोन तो क्या हॉर्न ले लेते हैं, देखते हैं बजा पोपाड़ा, ये याद है आपको पोपाड़ा पिछली बार क्या काम आया था अपन के। एंड छोटा फ़ोन भी रख लेते हैं बिकॉज गाने में इससे ही सुनता हूँ एंड थोड़ा बहुत गला ख़राब हो रहा है। एंड बाइक अपन ने स्टार्ट कर ली थी, कोल्ड स्टार्ट कर ली थी, बाहर ही खड़ी है अभी, तो अपन डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से। अरे यार मैं निकल तो गया था, वापस लौट के आना पड़ा, ग्लव्स भूल गया, वरना ग्लव्स बिना तो राइडिंग का मतलब ही क्या है यार, मज़ा ही नहीं आएगा अगर ग्लव्स नहीं लेके गए। तो चलते हैं अब डायरेक्ट, वहीं मिलते हैं अपन को रोड पे एंड देखते हैं वहाँ पे कितने लोग आएंगे, फिर अपन पहले जल्दी चलते हैं थोड़ा सा। तो सिर्फ देख ही सकते हैं ये लाइटनिंग, देखो इतनी शानदार। एंड इस वीडियो के मैं 2-3 पार्ट बनाऊंगा बिकॉज ये ज़्यादा लंबी होने वाली है एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। एंड कैमरा एंगल यहाँ होना चाहिए था इस शायद मैं जल्दी आ गया यार, कोई नहीं यहाँ पे, तो शायद मैं ज़्यादा ही जल्दी आ गया यार, अब क्या करें, कोई बात नहीं, यहाँ पे रुकते हैं, वेट करते, ऐसा करते फ्यूल भराने चलते हैं। सो फ्यूल भरा लेते हैं यार अब जल्दी से, फिर निकलेंगे यहाँ से अपन राइड पे। सो गाइस अब चलते हैं यार अपन एक राइड लेते हैं, देखो सारा इतना बड़ा ग्रुप मतलब चल रहा है, थोड़ा बहुत करते हैं। तो अपना घोड़ा ये रहा। तो गाइस जो पिछली क्लिप में अपने करण भाई थे वो भी शानदार मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बट वो थोड़ा ध्यान नहीं देते, उनको टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए ओनली फोटो वगैरह एडिटिंग बहुत शानदार है एंड बहुत ही शानदार एडिटर है वो। आप चाहो तो उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर लेना, करण सिंह आड़ा नाम से, द फर्स्ट ईयर नाम से उनका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, आप जरूर चेक करना, माहौल बना दे रहे हैं। आर एस तो बाइक लगाते हैं अपन लाइन पर जहाँ से रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं एंड जल्दी से। अरे भाई यार कहाँ गुजारे हो यार, तो चलते हैं यार अब जल्दी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रवाना होंगे अब अपन जल्दी से, तो निकलते हैं अब यार। RX 100 भी अपने पास चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं यार अब जल्दी से बिकॉज अपन वहाँ पे पहुँचने में टाइम लग जाएगा एंड बारिश कन्फर्म आएगी तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा हेलमेट का माउंट वगैरह सब, मतलब इस बार मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा बिकॉज ऐसे कांड होता रहता है हमारे साथ, तो मैं उस कांड से बचने के लिए फ़ोन को रिमूव करूँगा बाद में, थोड़ी देर बाद में। तो अब अपन राइट टर्न लेते हैं, मस्त माहौल, बुलेट वाले भाई साहब का साइलेंसर भी शानदार आवाज़ कर रहा है, तो अपन तालिब भाई के पीछे चलेंगे भी एंड माहौल बना देंगे इस बार। एंड ऐसे इस वीडियो के 3 पार्ट लाऊंगा मैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखना, और इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 है, अगर लाइक टारगेट पूरा नहीं किया तो यार मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब क्या ही बताऊँ। एंड मोटिवेशन नहीं आ रही यार अभी आप लोगों को, मतलब इतना डिसलाइक वगैरह, डिसलाइक तो क्या, व्यूज़ नहीं आ रहे चैनल पे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मतलब चैनल के रीच ख़त्म हो चुकी है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो एंड थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं। एंड यार बारिश के आने के चांस है तो मैं फोन ड्रम माउंट हटाऊंगा थोड़ा आगे जाने के बाद, ये अपने करण भाई इनकी KTM देख सकते हो। एंड चलते हैं हम डायरेक्ट सीधा हैंगिंग ब्रिज चलेंगे, अभी हैंगिंग ब्रिज स्पॉट है अपना रुकने का, वहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे फिर आज चलेंगे वहाँ पे रेस्ट करके। तो चलते हैं डायरेक्ट, सो गाइस अब चलते हैं डायरेक्ट
एंड यार ऐसे सपोर्ट करते रहा करो यार, मतलब चैनल की रीच खत्म हो रही है इसलिए तो मैं आपसे बोल रहा था कि थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर करो। अब बारिश आएगी शायद यार, मुझे रिमूव करना पड़ेगा ये। अरे आप अरे धुआं क्यों निकाल दिए? धुआं नहीं देगी तो पावर कहां से आएगा? अरे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है अरे बस तो पूरे रास्ते ही बारिश आई थी इसलिए मैंने माउंट हटा लिया था। सो गाइस अपन पहुंच चुके हैं, आप चेक कर सकते हो लाइनअप कर लिया है। एंड लाइनअप करने के बाद आप चेक करो यार कितनी पब्लिक है अपने पीछे। टोटल शायद 30 बाइक्स है, वो भी सब पावर बाइक है। आप चेक जरूर करो, देखो पीछे कितना शानदार ग्रुप है। एंड सब राइडर्स है सारे, मैंने ये ब्रोस के राइडर्स है जो कि करण सिंह आडा मैंने मुझको बताया था, उनका ही ग्रुप है राइडर्स ब्रोस के नाम से। चेक कर सकते हो लाइनअप लग रहा है पूरा, उस साइड ज्यादा लग रहा है, अपन इधर सेंड करेंगे। मतलब कौन सी पिक्चर है, राइड थी आज की? तो गाइस बारिश आ रही है, फोन हटाना पड़ेगा। अकेले अकेले भी रही। ओ भाई चेक कर सकते हैं यार कितना शानदार लाइनअप है। एंड देखो अभी R15M वाले भाई साहब कितना तगड़ा थ्रोटल दे रहे हैं, पूरे रास्ते माहौल बना दिया। मेरा इंडिकेटर तोड़ रहा है झंडा यार, मुझे टेप चाहिए, उखाड़ दिया उसने। ये देखो RS में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो भी एग्रम हो गई। तो गाइज यार मतलब थोड़ा सा विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, माइक बाहर निकल चुका था, मुझे ध्यान नहीं था, बट माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से यार कि विंड नॉइज़ सुनना पड़ रहा है आपको मेरे चक्कर में। तो आगे जाके थोड़ा सा रुक दें, लोकेशन चेक करो। तो गाइज देख सकते हो पूरी राइडिंग, मतलब इधर रुके हैं अभी, चेक कर सकते हो आप पूरा माहौल। सो गाइज यार अब चेक कर सकते हो, सब फोटो वोटो ले रहे हैं, पता नहीं कौन क्या क्या कर रहे हैं। चलेंगे अपन फिर अपनी गाड़ी वो खड़ी मेरी अपनी गाड़ी, बट गाइज चलते हैं यार। थोड़ी देर इधर भी रुके थे यार, अब डायरेक्ट चलेंगे। सो गाइज अब चलेंगे। अबे अरे भैया आप भी आओगे, घबराओ मत। समझ रहे हो आपको भी लू क्या? अरे भैया अरे देखो क्या? अरे 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 तो भाई यार माइक रिमूव होने के कारण आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी, तो मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। एंड गाइस इसकी टॉप स्पीड अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टॉप स्पीड एंड कंपैरिजन एंड बहुत कुछ देखेंगे। एंड स्टंट भी कर रहे थे हम वहाँ पे हैंगिंग ब्रिज साइड, तो बिकॉज मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज लॉन्ग वीडियो जाएगी, तो अपन ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, बिकॉज ये बहुत दो तीन पार्ट करूँगा मैं इस वीडियो के, तब जाके आपको पता लगेगा। एंड चलते हैं यार अब डायरेक्ट सीधा। एंड बहुत सारे ग्रुप है यार, बहुत सारे राइडर्स हैं। अच्छा हाँ हाँ भाई साहब आ रहा हूँ, लाइन पे आ रहा हूँ, लाइन में भी तो चलना है यार, बाकी फालतू का है किसी को नुकसान ना पहुँचे, इस चक्कर में बीच में चलना पड़ेगा। एंड चलते हैं अब सीधा इसको, बिकॉज क्या है लाइन में चलना ज़रूरी भी है, फालतू पीछे हाईवे है ये, तो कोई ट्रैफिक हो रहा है फिक का लफड़ा ना हो जाए एंड कुछ सीन ना हो जाए, तो इस चक्कर में अपन को लाइन में चलना चाहिए। एंड चेक कर सकते हो आगे, ये करण भाई की बाइक है KTM 200,
एंड जिनकी बाइक है इनके पास KTM ड्यूक 390 बहुत पावरफुल बाइक है। तो चलते हैं अपन अब सीधा कंटिन्यूज, बहुत लंबा सफ़र है यार, शायद 180 समथिंग या 119 किलोमीटर होगा, 190 ना कि 19। तो अब डायरेक्ट सीधा चलेंगे। तो देख सकते हो आप गाइस लाइनअप बहुत शानदार है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत माहौल बनाने वाली वीडियो डालूंगा मैं। यार आप सपोर्ट तो करते नहीं हो बट इसलिए मेरा मन नहीं करता कभी कभार। तो गाइस गए धीरे धीरे, टोटल भी ज़्यादा नहीं देना, डर के हमारे रोड के बीच में आ जाए पीछे वाले बाइकों का ज़्यादा लफड़ा। तो चलते हैं, चलो डायरेक्ट सीधा। तो देख सकते हो आप टोल गेट क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे माहौल बना देंगे थोड़ा सा। एक्सटर्नल माइक से बोलना पड़ रहा है मुझे यार, क्योंकि मेरा माइक बाहर निकल गया था इस हेलमेट से। तो गाइस यार फोग जाते ये माइक ही बाहर आ गया। डस्ट कितनी हो रही है यार, सो गाइस अपन पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में नीचे जाना पड़ेगा बिकॉज बहुत शानदार वाटरफॉल वगैरह सब होगा। ये मेनाल वाटरफॉल है, मैं आपको बताना भूल गया, ये मेनाल वाटरफॉल है। मैं शायद फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ बिकॉज मैं पानी वाले एरिया में बहुत कम जाता हूँ। तो यहाँ पे अपना ग्रुप आया राइड के लिए, देखते हैं क्या क्या माहौल होता है इधर, थोड़ा बहुत नहा लेंगे। वैसे मेरे पानी रिएक्शन करता है, सूट नहीं करता, तबीयत ख़राब होएगी, कंफर्म होएगी तबीयत ख़राब। मुझे पता है मैं तबीयत ख़राब के चक्कर में वीडियो भी लेट आ सकती है, तो यार माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। कोई सामने जो चल रही है इस बाइक का नाम बता सकता है, क्योंकि यामाहा की है जो भी है, एवेंजर नहीं है जो आप गलत सोच रहे हो गाइस। इस बाइक का नाम कौन बताएगा कमेंट में ज़रूर बताना, जो राइड पे गए हैं वो मत बताना बस। क्या सीन है भाई, इनकलाब जिंदाबाद। यार गिर ना जाए बस, टेम्पर नहीं है इसमें। लापरवाही ना करे गाइस, अभी निकल गए तो फिर गरीब आदमी। योयो हनी सिंह पब्लिक नहाने के लिए ओ भाई साहब सीन चेक करो, प्यारा है इस वक्त। यस यस लोकेशन पे जाना है बट कैसे जाऊं, हाथ पकड़ के जाना पड़ेगा। करण भाई तो पहुंच गए, बहुत तगड़ी जगह, देखो लोकेशन चेक करो। ये थोड़ी नदी हम क्रॉस करके आए एंड थोड़ा ऊपर चलते हैं, लोकेशन दिखाता हूं मैं ऊपर। ये तुम्हारा लक्की आड़ा वहां पर वो लक्की मारते हुए सस्ता सुनील शेट्टी दिखो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ
मैनेजर तो वही है। चलते हैं अब। अरे अरे अभी पता ही नहीं चलेगा आपको। लो आ जाओ आरसी आरसी वर्सेस। अरे V3